हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ बंडे की सब्जी, जो हमारे यूपी में बहुत ही फेमस है। आप इसे क्या बोलते हो नहीं पता, बस हमारे वहाँ इसे बंडा बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बंडे को क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हम इसका छिलका निकाल लेंगे। हमें बहुत बहुत दबा के इसके छिलके को निकालना है। इस तरह से हम सभी बंडे को छील लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी छिलका नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसका छिलका निकाल के इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। आप अपने हिसाब से पीसेस कट कर सकते हो। मैंने यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं लिया है, मीडियम साइज के पीसेस कट किया है। तो इस तरह से हम सारे बंडे को कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे के प्रोसेसेस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसे पीसेस कट कर लिया है। मैं बंडे की सब्जी गरम मसाले से नहीं, ठंडे मसाले से बनाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने मसालों में लिया है साबुत धनिया, साबुत राई यानी सरसों बोलते हैं इसे, और साबुत जीरा, और छिलके वाला लहसुन। इसका हम बहुत बारीक पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी में नहीं सील पे। तो आइए इसका पेस्ट पहले तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुकर रख दिया है हीट होने के लिए और हम गैस के फ्लेम को ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुकर हीट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। मैंने आधा कप तेल यूज किया है। इसे गर्म होने देते हैं 5 से 7 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऑयल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के चौथाई हींग। पहले हम ऐड करेंगे इसमें कुछ मेथी के दाने, जिसे हम चटकने देते हैं। हमारा मेथी चटक चुका है। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच की चौथाई हींग। हींग से हमारी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, हींग कंपलसरी है सब्जी में ऐड करना। जो मैंने साबुत ठंडा मसाला लिया था, मैंने उसका पेस्ट बना लिया है सील पे पीस के। बहुत ही बारीक पेस्ट बना है। अब इस पेस्ट को हम ऑयल में डालेंगे पकने के लिए, क्योंकि ये सारे मसाले ठंडे हैं, सरसों और जीरा, धनिया और लहसुन। तो आइए इसे ऑयल में डालते हैं।
तो फ्रेंड्स मैंने मसाले को डाल दिया है। अब मसाले के साथ में ही हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स ध्यान रहे, कश्मीरी मिर्च सिर्फ कलर के लिए होता है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता है, सो मैंने कलर के लिए ऐड किया है। अब हम मसालों को अच्छे से चला लेंगे। मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, लो फ्लेम पे मसालों को मैं भूनूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी 1/2 चम्मच, तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और फ्रेंड्स मैंने घर का बना हुआ मसाला लिया है 1 चम्मच। गरम मसाला नहीं है ये। सभी मसालों को हम मिला लेते हैं। लास्ट में हम ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच नमक यूज किया है। फ्रेंड्स मैंने बड़े चम्मच के 1 चम्मच के करीब लिया है मैंने आमचूर पाउडर, जिसे हम मसालों में ऐड करेंगे। आप चाहे तो टमाटर का भी यूज कर सकते हो, बट मैंने टमाटर का यूज नहीं किया, मैंने आमचूर का यूज किया है। अब आमचूर को हम मसालों के साथ में पकाएंगे। जो बंडे की सब्जी होती है उसमें तो टमाटर या आमचूर तो कंपलसरी होता है, डालना जरूरी होता है। हमें मसालों को 10 से 15 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। आप देख सकते हैं मसालों से जो ऑयल है सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मसाले वाली कटोरी में मैंने पानी ली है 3 से 4 चम्मच। तो फ्रेंड्स मसालों का कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा हुआ है। अभी इसे हम 5 मिनट और भूनेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए बंडे। फर्स्ट टाइम में मैंने आधे बंडे को इसमें डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। फ्रेंड्स बाकी के बचे हुए जो बंडे के पीसेस है उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ। हाई फ्लेम पे मसालों के साथ में हम बंडे को 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। ये बिल्कुल सूखा है, अभी मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना अच्छा कलरफुल ये सब्जी बन रहा है। सो इसे हम 5 मिनट पकने देते हैं। हमारा 5 मिनट हो चुका है। बंडों के साथ में मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ पानी ग्रेवी के लिए। तो फ्रेंड्स इसमें हम 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। मैंने माप के पानी नहीं ऐड किया है, बट जितना चाहिए मैंने ऐड कर दिया। और तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जितना मुझे ग्रेवी चाहिए मैंने उतना पानी ऐड कर लिया है। अब हम
कुकर को कवर कर देंगे। और 3 सीटी आने तक का हम वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स 3 सीटी मैंने ले लिया है, आइए चेक कर लेते हैं। और मैंने प्रेशर को भी ठंडा कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो जो बंडा है बहुत अच्छे से गल चुका है। और ग्रेवी भी गाढ़ी बन चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ फ्रेश धनिया। धनिया को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए इसे हम फटाफट डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम ऐड कर रहे हैं धनिया। तो फ्रेंड्स हमारा बंडे का सब्जी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।